स्वागत है आप सभी का उदय क्लासेस में। आज के क्विज कंपटीशन में क्लास 8 के बच्चों के साथ सिविक्स क्विज जारी है। यहाँ पे राउंड 2 का पार्ट 6 चल रहा है, जिसको आगे बढ़ाते हुए चलिए बताएंगे आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय जो छूने योग्य ना हो क्या कहलाता है? अस्पृश्यता। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का कब पारित हुआ? 1989। संविधान के किस अनुच्छेद में अपरिष्यता का उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? 17। किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? 15। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अनुसार दोष साबित होने पर कितनी सजा का प्रावधान है? 2 वर्ष जेल व जुर्माना। समाज की मुख्य धारा से पीछे छूट के समुदाय को क्या कहा जाता है? आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। भारत में कितने तरह के आदिवासी समूह हैं? नीतू जी, भारत में कितने तरह के आदिवासी समूह हैं? 500 से ज्यादा। अधिकांश आदिवासी आबादी कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाली। आदिवासियों का जंगलों पर पूर्ण नियंत्रण कब तक रहा? 19वीं सदी के मध्य तक। भारत में राष्ट्रीय पार्क की संख्या है, राष्ट्रीय पार्कों की संख्या कितनी है भारत में? 54। भारत में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? ३७२। ठीक है, आगे बताएंगे। सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 साल की उम्र के कितने प्रतिशत बच्चे कभी स्कूल नहीं गए? 25%। सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं? 543। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहली बार में जवाब गलत दिया है, लेकिन उसके बाद दूसरी बार सही दिया है, लेकिन नियम के अनुसार ठीक है एक बार में आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पर ठीक है राउंड 2 का पार्ट 6 जो है के लिए एक सवाल हम गरिमा से पूछेंगे, बताएंगे। लोकप्रिय संसद किसे कहते हैं? लोकसभा। तो राउंड 2 में सबसे ज्यादा राउंड क्लियर करने के कारण यहाँ पर राउंड 2 गरिमा जी विजेता घोषित होती हैं और रन अप होंगे नीतू जी। तो हम लोग अगले राउंड में मिलेंगे बाकी दूसरे सब्जेक्ट के क्विज के साथ।